अस्सलाम वालेकुम व्यूबर्स, वेलकम टू अनीलास डाइनिंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं लाई हूँ बहुत ही यम्मी मग पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि सिर्फ एक मिनट में बनके तैयार हो जाता है। तो जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून मैदा लिया है, 1/8 टीस्पून हम लेंगे बेकिंग पाउडर और 1/16 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। 1-2 चुटकी मैं इसमें डालूँगी नमक का और इसी तरह इसमें जाएगा दूध, जो कि हम लेंगे 3 टेबलस्पून और ऑयल मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस रेडी की है। श्रेडेड मोज़रेला चीज़ हम यूज़ करेंगे 3 टेबलस्पून और गार्निशिंग के लिए मैं कुछ वेजिस यूज़ करूंगी, जैसे कि शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज वगैरह। और इसी तरह ही मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है। चिकन को मैंने पहले से ही फ्राई करके रख लिया है और साथ ही हम इसमें कुछ ब्लैक ऑलिव्स यूज़ करेंगे गार्निशिंग में। तो चलिए बैटर रेडी कर लेते हैं। इसमें मैं डालती हूँ 4 टेबलस्पून मैदा, बेकिंग पाउडर भी डाल देंगे और साथ में बेकिंग सोडा भी चला जाएगा और जो हमने नमक इसमें डालना था वो भी हम इसमें डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घर में पिज़्ज़े की बात हो तो कौन इनकार कर सकता है। तो फिर अगर 1 मिनट में रेडी हो जाए तो फिर तो इसकी क्या ही बात है। बच्चे और बड़े सभी इसको इजीली बना सकते हैं। लेट नाइट मूवी देखते हुए कुछ खाने को जी चाहे या टी टाइम में कुछ खाने को जी चाहे तो आप इसे बना के खूब इंजॉय कर सकते हैं। हमें बाज़ार से ऑर्डर भी नहीं करना पड़ता और बिल्कुल बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा घर में ही रेडी हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मामा सो रही हैं या मामा शॉपिंग पे गई हुई हैं या बिज़ी हैं तो बच्चे इसको खुद ही बना सकते हैं और खुद ही खा के इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसके अंदर अपनी दीगर चीज़ें डालूंगी, दूध भी इसके अंदर डाल देंगे और साथ में हम इसके अंदर ऑयल भी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठलियाँ ना बने और दूध भी जो है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, सिर्फ रूम टेम्परेचर पे जो होता है सिर्फ वही होना चाहिए। बहुत ही यम्मी बनके ये रेडी होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका मग पिज़्ज़ा कैसा बना है। तो चलिए ये देखें, हमारा बैटर जो है वो इस तरह का होना चाहिए। अब ये रेडी है। जिस तरह का केक बेक करते वक्त हम बैटर रेडी करते हैं उसी तरह का ये बैटर जो है इसकी थिकनेस वैसी होनी चाहिए। अब मैं इसके ऊपर 1 लेयर जो है पिज़्ज़ा सॉस की लगा दूँगी। इसको बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पिज़्ज़ा सॉस झटपट से रेडी हो जाता है। आप मेरी लोडेड फ्राइज वाली जो रेसिपी है उसको आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने इसको बनाने का जो मेथड है वो मैंने उसके अंदर बताया हुआ है। अगर ये आपके पास ना भी हो तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप केचप या चिली सॉस जो होती है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो वेजिज़ हैं उसकी लेयर लगाऊंगी। वेजिज़ जो हैं वो आप कोई भी अपनी पसंद की इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर मोज़रेला चीज़ डालूंगी। पिज़्ज़े को ज़्यादा यम्मी बनाने के लिए मैं जो मोज़रेला चीज़ है उसकी 2 दफ़ा लेयर लगाऊंगी ताकि ये जो पिज़्ज़ा है ये ज़्यादा चीज़ी बने और बच्चे इसे ज़्यादा शौक से खा सकें। 1 दफ़ा फिर से मैं वेजिज़ की 1 लेयर लगा दूंगी और फिर हम इसके ऊपर फिर से मोज़रेला चीज़ की 1 लेयर लगाएंगे। अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल करूंगी और अगर आपने चिकन की जो मैरिनेशन और उसको जो फ्राई करने का सारा मेथड देखना है तो आप लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी में जाके वहाँ देख सकते हैं, वहाँ मैंने चिकन का सारा मेथड बताया हुआ है और साथ में पिज़्ज़ा सॉस का भी आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए इधर चिकन को सेट कर लेते हैं। आप अगर चाहें तो इसे बगैर चिकन के भी बना सकते हैं। अगर आपके पास इजीली चिकन जो है वो अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप चिकन ना डालें, सिर्फ वेजिस डालें और चीज़ डालें और इसको रेडी कर लें। हर मसले का कोई ना कोई अल्टरनेट होता ही है और हर मसले का हल भी हो ही जाता है। आप ट्राई तो करें, चीज़ तो बनाने की कोशिश करें तो चीज़ बन के खुद ही सामने आ जाती है। तो चलिए अब हम ऑलिव्स भी जो है इसके ऊपर लगा के इसको अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद मैं इसे 1 मिनट के लिए पिज़्ज़े को जो है वो ओवन में रख दूंगी। ऑलिव्स डालने के बाद मैंने इसके ऊपर 1-2 चुटकी जो है वो ओरिगैनो की डाली है और 1-2 चुटकी मैंने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाले हैं। इससे बिल्कुल पिज़्ज़े जैसा फ्लेवर जो है वो हमारे मग पिज़्ज़े में से आएगा। तो चलिए इसको ओवन में रखते हैं। सेंटर में ना रखें, इसे एक साइड पर रखें ताकि इसे इक्वली जो है वो हीट मिल सके। 1 मिनट का मैं इसको टाइम दे देती हूँ। अभी बेक होना स्टार्ट ही हुआ है तो इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। आप अगर देख सकें तो आपको पता चल रहा होगा कि अंदर कितना अच्छा जो है वो ये मग पिज़्ज़ा जो है वो बेक हो रहा है। तो चलिए 1 मिनट हो गया है, अब मैं इसको निकालती हूँ। 1 मिनट होने के बाद इसे कुछ देर ओवन में ही रहने दें।
तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा मग पिज़्ज़ा रेडी हुआ है और कितना कलरफुल सा ये लग रहा है। तो इस तरह से आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता और घर में ही जो है वो पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है, बच्चों की फरमाइश भी पूरी हो जाती है और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। आप अभी जाके इसको ट्राई करें और सारी फैमिली के साथ मिलके खा के खूब इंजॉय करें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा रेडी हुआ है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाओ यम्मी, आप देख सकते हैं कि कितना चीज़ी ये लग रहा है। तो चलिए मग पिज़्ज़ा तो रेडी है, तो अब एक अच्छी सी बात के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। समझदारी की बातें दो तरह के लोग करते हैं, एक ज़्यादा उम्र वाले और दूसरा जिन्होंने कम उम्र में ज़्यादा मुश्किलात देखी हों। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।